हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप नोट कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखें। बोला गया एन इलास्टिक बेल्ट इज अ प्लेस्ड अराउंड अ रिम ऑफ अ पुली। कोई मेरा रिम था जो कि सर्कुलर शेप में था, जिस पर एक बेल्ट लगी हुई थी। मान लो जो मैं ये निशान लगा रहा हूँ, ये कोई बेल्ट थी मेरी, जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन होती है, उसमें एक सर्कल बना होता है, उस पर एक बेल्ट चढ़ी होती है। इस तरह की कोई बेल्ट चढ़ी हुई थी जिसकी रेडियस 5 थी, जिसकी रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट सी, कोई इसका पॉइंट सी था ऑन द बेल्ट, द इलास्टिक बेल्ट इज़ पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी कि मान लो यहाँ पर उसका कोई पॉइंट था सी, यहाँ से उस बेल्ट को पकड़ा गया और इसको इसे खींचना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मान लो सी पॉइंट है इसका, इसी पॉइंट से मैंने बेल्ट को पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। फ्रॉम द सेंटर पुली अनटिल इट एट पी, जिसको पी तक खींचा गया जब तक कि वो 10 सेंटीमीटर ना हो जाए। यानी कि सी से लेके पी तक की जो दूरी है मेरी, सेंटर से लेके इसकी जो दूरी है वो कितनी ना हो जाए, 10 सेंटीमीटर ना हो जाए। फ्रॉम द पॉइंट ओ, यानी कि ओ से इसकी दूरी कितनी ना हो जाए, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल कॉन्टैक्ट विद द पुली, यानी कि उस बेल्ट की लंबाई बताओ जो अभी भी इसके टच हो रखे। अब देखो, मैंने बेल्ट को यहाँ से खींचना शुरू कर दिया, अब ये जो बेल्ट थी मेरी, ये तो यहाँ आ गई, जो टच कर रही होगी वो सिर्फ ये वाला इससे टच कर रहा होगा बेल्ट का, जो इस पुली के टच कर रहा होगा। यानी कि मुझे ए डी बी, ये वो हिस्सा है, पोर्शन है जहाँ पर मेरी बेल्ट अभी भी टच कर रही है, तो मुझे ये लंबाई बतानी है सबसे पहले दो, ठीक। आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। इस शेडेड एरिया को भी मुझे निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है कि जो बेल्ट मेरी टच हो रही है कितने से को टच हो रही है, ए डी बी, ये मुझे निकालना है, क्योंकि यहाँ की जो बेल्ट थी वो तो मैंने खींच के यहाँ कर रखी है, टच सिर्फ इतने हिस्से को ही हो रही है। तो मेरे को क्वेश्चन में रेडियस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 और ये मेरे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है अगर कोई सर्कल की टेंजेंट रो होती है तो वो ऑलवेज क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करके बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ए को तो यहाँ बनाएंगे, ए मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है, पी मेरा ऊपर चला जाएगा और ओ मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि थीटा होगा। मैंने यहाँ पे एंगल मान लिया थीटा। डायग्राम को मैंने इस तरीके से रोटेट कर लिया है, ठीक है, ताकि मेरा राइट एंगल यहाँ आ जाए, बेस पे सामने एंगल हो जाए, ऊपर चला जाए मेरा पी, यहाँ पी पॉइंट है। ए ओ कितना मेरा 5 सेंटीमीटर, ओ पी मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर। अब मेरे पास दो डायमेंशन है, ठीक है, तो मैं यहाँ का एंगल फाइंड कर सकता हूँ बड़े आराम से। तो मैं एंगल निकालता हूँ इसका, मैंने लिखा इन ट्रायंगल पी ए ओ, जिसे मुझे पी ओ मालूम है जो मेरी हाइपोटेन्यूज है, ए ओ मालूम है जो मेरा बेस है, यानी एच अपॉन में बी। तो ये बना मेरा सेक थीटा। पी ओ मुझे दे रखा 10, ए ओ दे रखा मुझे 5, सेक थीटा मैंने कैंसिल आउट किया, कितना है 2। अब हमें चेक करना है कि सेक की लाइन में 2 कितने पे आता है, सेक की लाइन में 2। तो ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से बनाई जाती है, इसको समझा कैसे जा सकता है, तो आप उस वीडियो को देख लें जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेक दे रखा 2, सेक की लाइन में 2 कब आता है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू सेक थीटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि मुझे पता लग गया मेरा जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 का। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रूंट है। कैसे है मैं आपको बता दूं, प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मेरा ए ओ पी, दूसरा ट्रायंगल मेरा है ये ओ बी पी। देखो ए ओ कौन है मेरी रेडियस, ओ बी भी मेरी कौन है रेडियस। टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट होकर वो हमेशा क्या होती है, इक्वल। ओ पी इसमें भी आ रहा है, ओ पी इसमें भी आ रहा है, तो कॉन्ग्रूंट है। कॉन्ग्रूंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये मेरा एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, बाय सी पी सी टी होगी, ठीक है, बाय क्या होंगे, सी पी सी टी। दोनों मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रूंट है तो इनकी डायमेंशन भी क्या होंगी, सेम ही होंगी।
तो मुझे पता लग गया मेरा थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं पी ए की, कि मेरा पी ए कितना है। पी ए को भी साथ के साथ निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो पी ए निकालने के लिए मैंने क्या किया, पी ए फाइंड करना है। गिवन कौन है, ए ओ। क्या बना, ये बना मेरा परपेंडिकुलर और ये बना मेरा बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये बना मेरा टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। पी ए मालूम नहीं है, ठीक, बट ए ओ तो मालूम है कितना, 5। अब टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 डिग्री कितना है मेरा, अंडर रूट 3। तो मेरा पी ए निकल के आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5√3 सेंटीमीटर। एंगल भी निकालिए, अभी इस एंगल निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी। मैंने कहा था हमें ये वाली चैलेट चाहिए क्योंकि बेल्ट अभी तक यहाँ पर टच हो रही है, इस बेल्ट की लंबाई चाहिए। जो मेरी बेल्ट वो कौन है, ए डी बी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे, हमारी जो बेल्ट है वो ये वाली है, ए डी बी, ठीक है। ये हमारा सेंटर था। अब अगर हमें ये चाहिए ए डी बी की लंबाई, तो हमें यहाँ का एंगल मालूम होना चाहिए कि ये एंगल मेरा कितना है। मान लो इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं लेंथ ऑफ बेल्ट ए डी बी। देखो पूरा जो सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल होता है 2πr, कितना होता है 2πr। मुझे इस 2πr का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, तो इसका एंगल मुझे मालूम होना चाहिए। मुझे पता है मेरा जो अंदर वाला एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 60 + 60 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, ए ओ बी 120 डिग्री का है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालूँ, रिफ्लेक्स किसका, ए ओ बी का, रिफ्लेक्स का मतलब होता है ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालूँ तो कितना होगा, 360 में से ए ओ बी को माइनस कर दिया, कितना है 240 डिग्री। तो यानी कि मेरा कौन आ जाएगा, अल्फा निकल के आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो ए डी बी की लंबाई के लिए वैसे पूरा सर्कल होता तो फॉर्मूला लग जाता 2πr, बट उसका एक हिस्सा चाहिए, तो इसलिए फॉर्मूला लगेगा अल्फा अपॉन में 360 × 2πr, मेरी लेंथ ऑफ ए डी बी आ जाएगी। अल्फा कितना निकल गया है, 240 / 360, 2 × 2, पाई की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन थी 3.14। आर तो क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखा था, कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दिया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 2 × 3.14 × 5। अगर कोई कैंसिल हो रही तो कैंसिल करो, नहीं हो रही तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो इन सबको गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3.14, ठीक है, एंड 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 / 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 62.8। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 3 का, तो ये आ जाएगी 20.93 सेंटीमीटर। ये मेरी लेंथ ऑफ किसकी आ गई, ए डी बी आ गई, लेंथ ऑफ ए डी बी, जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला पार्ट तो मेरे होगा, दूसरा पार्ट बोला था शेडेड पार्ट का एरिया भी बताना है, एरिया बताना है शेडेड पार्ट का। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, मेरे पास 2 ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करना है। बीच में ये आ रहा मेरा सेक्टर, जो मेरा ए ओ बी सी ए है, ये मेरा सेक्टर बना, इसको क्या कर देंगे माइनस। तो मेरे पास 2 ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी प्लस दूसरा ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे प्लस। और जो माइनस करेंगे क्या, जो मेरे सेक्टर है, ये वाला देखो ए ओ बी सी ए, एरिया माइनस कर देंगे ए ओ बी सी ए, ये मेरा सेक्टर है, ठीक है। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 5 और इसकी हाइट कौन बनेगी, ए पी। ए पी को मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ए पी कितना मेरा 5√3। अगर ये 5√3 है तो ये भी 5√3 होगा, क्यों, दोनों के दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 5√3, जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट के सारे पार्टिकल होते हैं। तो चाहो तो आप इसको दोबारा से भी रीमेंशन कर सकते हो, या मल्टीप्लाई में 2 लगा के भी कर सकते हो, जैसा अच्छा आपको लगे वैसा कर सकते हो। 5√3 माइनस में अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगेगा,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 5 5 25 अंडर रूट 3, 25 अंडर रूट 3, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है थीटा। अब यहाँ पर थीटा ये नहीं होगा मेरा, ये पूरा लेना है थीटा इसको, 60 प्लस 60 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दे रखा था 5, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, दोनों का बेस सेम है 2, 25 अंडर रूट 3, 25 अंडर रूट 3 माइनस में, इसको सॉल्व करेंगे 12 थी 36, 3.14 25 बटे में 3 आ गया मेरा, ठीक है, 25 प्लस 25 50 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आया मेरा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 78.5 अपॉन में 3। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.73, तो यहाँ रख दिया 1.73 अपॉन में 2, 78.5 में डिवाइड कर दिया 3 का, तो मेरा निकल के आ जाएगा 26.17। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट रही है तो काट लो, कितना है 25, 25 को गुणा कर लेंगे 1.73 से, तो आ जाएगा 43.25 माइनस 26.17। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और स्टूडेंट इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से नोट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।